गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं जो विश कर रहे हैं। और यहां पर एक लाइन है जो पहले मैं बोल देती हूं कि भारत के गणतंत्र का सारे जगत में है मान, भारत के गणतंत्र का सारे जगत में है मान, दशकों से खिल रही भारत की अद्भुत शान, सब धर्मों को देकर मान रच गया इतिहास, इसलिए हर देशवासियों को इसमें है विश्वास, और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। ठीक है, नीलू, हैप्पी किंग, माया, निशांत, सभी को नमस्ते। सुनील आ चुके हैं, सूरज, विश्वास, राम विलास, सभी को नमस्ते। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, अमन कुमार, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, नपुर, हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा, हैप्पी रिपब्लिक डे। और क्लास को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और आज की जो क्लास है काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, पूनम नमस्ते, विशाल, माया, यश, विद्युत, सभी का स्वागत है। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है धनराज, चलिए दो क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अन अकेडमी में अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, या फिर जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है नंदन, भारत माता की जय। ठीक है, बिल्कुल अच्छी वाली फीलिंग आने लगी ना, बिल्कुल स्कूल की याद आने लगी ऐसे ही। तो आज हम यहाँ पर, मैं सबसे पहले तो अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि 25 जनवरी लास्ट डेट थी, लेकिन आज 26 जनवरी है, तो उसके उपलक्ष्य में भी आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन रेट यहाँ पर लो कर दिए गए हैं। अगर आप सभी यहाँ पर यह कोर्स परचेज करना चाहते हैं साइंस का, अगर मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या किसी भी फेवरेट वन का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप सभी यहाँ पर अमृता एसिया कोड लगाएंगे तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। राइट, चलिए ठीक है विकास, तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और जो पहला क्वेश्चन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, काफी बच्चे यहाँ पर 8 बजे वाली क्लास में कह रहे थे कि मैम जूम आउट जूम इन नहीं होता है, तो ठीक है भारती, ठीक है आदित्य, तो इसीलिए यहाँ पर आज मैंने पीडीएफ में यह करवा दिया है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में कि हर गोविंद खुराना इज क्रिएटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ। अगर आप यहाँ पर हर गोविंद खुराना के बारे में बात करते हैं तो किसकी खोज का श्रेय इनको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है ओम प्रकाश, हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, जल्दी बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैम मेरे लड्डू हाँ ठीक है लड्डू, ठीक है। कुंतल सिंह कह रहे हैं कि जो टीचर चेयर पर बैठकर पढ़ाते हैं उन पर कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, तो कुंतल यहाँ से चले जाइए अगर पढ़ना नहीं पसंद है, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा है आप लोगों के लिए, कैसे ना कैसे करके क्लास करवाई जा रही है, फिर भी आप लोगों को टीचर्स की इज्जत नहीं है, तो कुंतल जी कृपया अपनी सवारी लेकर के यहाँ से चले जाइए। ठीक है पवन सोनी, चलो चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर। हर गोविंद खुराना इज क्रिएटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ, चलो आंसर होगा ए आंसर। ठीक है आशीष, आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से नोट कर लीजिए कि आंसर जो ए होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नोट कर लो यहाँ पर, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है नीलू, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर हर गोविंद खुराना के बारे में, जो जो डॉक्टर यहाँ पर हर गोविंद खुराना है उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है मेडिसिन में 1968 में। और इसके साथ साथ आप बात करें कि रॉबर्ट डब्ल्यू होली और जो मार्शल डब्ल्यू विनेनबर्ग है उनको इस चीज के लिए, जेनेटिक कोडिंग के लिए और डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए अगर हम बात करें, तो इनको क्या मिला है यहाँ पर, किसका श्रेय मिला है, नोबेल पुरस्कार यहां पर मिला है। ठीक है चलो क्लियर है, ओके। वेद कुमार गौतम कह रहे हैं कि मैम आज 2 पैक लगा के आई हो क्या, तो वेद कुमार गौतम सबसे पहली चीज तो यह है कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं पीती हूं, अगर कोई पीता है तो वो उसका मामला है। दूसरी चीज यह है कि अपने गुरु से बात करने की तहजीब और तमीज दोनों चीजें यहाँ पर ले आइए, नहीं तो यही बात होती है कि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। ठीक है विकास मौर्य, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जलेबी खानी है, अच्छा बिल्कुल आप लोगों के लिए जलेबी भी लेकर के आई जाएगी, परेशान मत होइए। चलो तो क्लास का
स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अगेन आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि इन लेबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। चलो जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सब ने सबको लव यू बोल दीजिए मैम। अच्छा ठीक है शुभम, लव यू ऑल, सभी को बहुत सारा प्यार। चले आप क्लास जल्दी से करेंगे यहाँ पर। विशाल हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है माया जल्दी से आंसर करेंगे इसका। यहाँ पर प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, आंसर अगेन क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो खुराना है उन्होंने ही क्या काम किया था, डीएनए के फंक्शन के बारे में बताया था और इन्होंने ही आर्टिफिशियल डीएनए के बारे में भी बताया था। ठीक है तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मायोग्लोबिन कंटेन द मेटल। मायोग्लोबिन के बारे में बात करें तो इनमें कौन सा धातु होता है, इनमें कौन सा धातु होता है। चलो चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है तो अगर आप यहाँ पर लोहा के बारे में बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर आयरन के बारे में बात करते हैं, तो जो भी हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, मायोग्लोबिन के बारे में, तो जो भी आपका मायोग्लोबिन है वह क्या है कि जब आपका हीमोग्लोबिन किसी मसल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, किसी भी मसल्स में पाया जाता है, किसी भी मांसपेशी के अंदर पाया जाता है, तो उसको क्या कह दिया जाता है, मायोग्लोबिन कहा जाता है। राइट बात समझ आ गई है। चलो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लो। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो भी यहाँ पर आपका मायोग्लोबिन होगा उसके अंदर कौन सा मेटल पाया जाएगा, तो आंसर करना है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वही हमारा जब पेशियों के अंदर पाया जाएगा, मसल्स के अंदर पाया जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन यहाँ पर कहते हैं। और हीमोग्लोबिन हो चाहे मायोग्लोबिन लिखा हो, जो भी धातु इसके अंदर प्रेजेंट होगा वह क्या होगा, लोहा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बात समझ आ गई है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नमस्ते आशु, नमस्ते एम के जाट। चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कुत्तों की निम्नलिखित किस्मों में से कौन सी भौंकने में असमर्थ है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, ठीक है संजीव वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आयरन यहाँ पर सही, हाँ आयरन विद्युत वेरी गुड, ठीक है अजय जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कुत्तों की कौन सी प्रजाति होती है जो भौंक नहीं पाती है, यह मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। हेलो शिलू, नमस्ते सभी को, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम डिंगो के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, डिंगो के बारे में, तो डिंगो कुत्ते की एक ऐसी प्रजाति होती है जो भौंक नहीं सकती है और यह कहाँ पर पाई जाती है, ईस्ट एशिया में पाई जाती है। ईस्ट एशिया मतलब क्या होता है, आपका जो पूर्वी है ना, ईस्ट मतलब पूर्वी, तो जो पूर्वी पूर्वी एशिया है वहां के देशों में भी यह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द एनिमल दैट हैज बीन टर्म्ड टू यूज लैंग्वेज विद सम सक्सेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उन जानवरों में से नहीं है जिन्हें कुछ सफलता के साथ भाषा का उपयोग करना सिखाया जाता है। ठीक है आदि वेरी गुड इवनिंग बेटा, चलो चलिए आंसर कर लेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। शुभम जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पर, कौन सा आंसर सही होगा, बिल्कुल सही बात है, आंसर जो होगा गोल फॉरवर्ड। क्लास अभी स्टार्ट हुई है बेटा, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, खत्म होने की बात मत करो यहाँ पर। चलो जल्दी से आंसर करेंगे, आंसर जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुत्ता जो होता है वह आपका समझ सकता है, लेकिन कभी भी अगर उसको आप भाषा अपनी सिखा रहे हैं तो वह अपनी लैंग्वेज या अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं गुड मॉर्निंग है ना, तो क्या कुत्ता गुड मॉर्निंग बोलेगा, नहीं नहीं ठीक है। दीदी मेरी नमस्ते, हाँ नमस्ते बेटा।
तो अगर हम यहाँ पर चिंपांजी के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, अगर हम चिंपांजी के बारे में बात करते हैं, अगर हम तोता के बारे में बात करते हैं, अगर हम डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं, तो जब भी हम इनको कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं, अपनी भाषा सिखाते हैं, तो ये आसानी से हमारी लैंग्वेज को बोल यहाँ पर सकते हैं। बात समझ आ गई। चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रेड रिबन एक्सप्रेस, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो रेड रिबन एक्सप्रेस है, इट इज द विजुअल एंड मूविंग मीडियम फॉर, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, नमस्ते जीनियस रुद्र, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में, तो किसके लिए यह दृश्यमान और गतिशील माध्यम है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आपस में लड़ाई मत करिए बेटा, जल्दी से आंसर करिए इसका। बिल्कुल सही बात है, आंसर जो होगा वह यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अवेयरनेस अबाउट एड्स, यानी एड्स की जानकारी के बारे में, एड्स की जानकारी। कोई बात नहीं कुहू, 10 बजे मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ, तो आप उसी में ही आ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है धनराज, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, वेरी गुड अंकित, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुजीत का आंसर सही है, शीलू, दानिश, बहुत बढ़िया। तो आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है निशा, ओके बच्चा, तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्स के बारे में यह जानकारी यहाँ पर देता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संस्कारशाला, ठीक है, क्या, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं संस्कारशा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे संरक्षा के बारे में बात करते हैं, संस्कारशाला यह हो गया है, मैं ठीक हूँ बेटा, थैंक यू, संस्कारशाला यह हो गया, इसका क्या है यहाँ पर, संरक्षा, संरक्षा इसका नाम होना चाहिए, संस्कारशाला यह हो गया। चलो अब फटाफट से इसको यहाँ पर नोट करेंगे कि जो आपका संरक्षा नाम का, संरक्षा क्या है ना, यह क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया हुआ है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि एड्स अनुसंधान और नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु में जो संस्थान है, किसके लिए, एड्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। तो जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है वही क्या है यहाँ पर, संरक्षा के नाम से उसको यहाँ पर जाना जाता है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, जो बी ऑप्शन है वह यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर। हाँ CHSL के लिए भी आप इस क्लास को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड अनुज, आंसर की अगर आप बात कर रहे हैं तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, अनुज बी आंसर सही होगा, ठीक है अमरेश। आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का खर्ड आवाहन किसकी रोकथाम में यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर बात की जा रही है अब किसके बारे में, आवाहन के बारे में बात की जा रही है। तो आवाहन नाम का जो फाउंडेशन है, जो कि बिल और मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन है, वह किसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर काम करता है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हैप्पी किंग बेटा जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर एट्थ का सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर जो होगा वह सी आंसर होगा, ठीक है अमरेश, वेरी गुड इवनिंग। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरी तितली कहाँ गई आज, दूसरी तितली को उड़ा दिया है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, एट्थ का, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। HIV और एड्स के लिए जो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन है आवाहन, वह यहाँ पर कार्यरत है, वह इसके लिए यहाँ पर कार्य करता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि NACO, यानी कि NACO, NACO इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिटेलिंग विद, अगर आप यहाँ पर बात करें NACO कौन सा संगठन है जो किसके लिए यहाँ पर कार्य करता है, जो किसके लिए यहाँ पर कार्य करता है। हाँ बिल्कुल अजय, यह क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं बेटा, पहले भी करवाए हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, बहुत बढ़िया, आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्स के लिए यह यहाँ पर कार्य करता है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, आंसर करते हैं, ठीक है पंकज, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिशन इंद्रधनुष, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं मिशन इंद्रधनुष, यानी कि केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, किससे संबंधित है,
ठीक है, अजीत जल्दी से आंसर करेंगे इसका यहाँ पर, ठीक है, तानिया वस्ती जल्दी आंसर बताइए इसका, टेंथ का कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है अरमान आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो फटाफट से यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो जैसे अगर आप इंद्रधनुष में सात रंग देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सात तरह के रोगों को खत्म करने के लिए ही क्या किया गया है यहाँ पर, टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, ठीक है, क्लियर है, तो इसको फटाफट से यहाँ पर नोट कर लीजिए। अच्छा एक बच्चे ने पूछा है कि नाको की फुल फॉर्म क्या होती है, बेटा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाको की अगर आप बात करते हैं तो आप यहाँ बताएंगे यहाँ पर कि जो आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है मिशन इंद्रधनुष के बारे में, अगर आप बात करो तो जिस तरह से सात टीकों के बारे में यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देती हूँ कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ यानी कि जो हमारी भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और फैमिली वेलफेयर यानी कि परिवार जन कल्याण के लिए जो काम करता है उन्होंने इसको लॉन्च किया था। कब किया था, 25 दिसंबर को किया था, 2014 को किया था, जिसके अंदर सात तरह के रोगों के लिए काम यहाँ पर किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि वो जो सात डिजीजेज हैं वह कौन कौन सी हैं, ये भी तो पूछा जा सकता है आपसे, सात कौन कौन सी डिजीजेज यहाँ पर हैं, तो लिख लीजिए। सबसे पहले आपकी रोग होगी डिप्थीरिया रोग, है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे पहले क्या हो जाएगी यहाँ पर डिप्थीरिया रोग। दूसरे नंबर पर होती है पर्टियोसिस, पर्टियोसिस को क्या कहा जाता है, काली खांसी हिंदी में कहा जाता है। फिर आपका क्या आ जाता है, टिटनेस आ जाता है। फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर बता रही हूँ बेटा, फिर आपका टिटनेस नाम का रोग आ जाता है। फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी नाम की बीमारी आ जाती है। फिर आपका क्या आ जाता है, पोलियो नाम की बीमारी हो जाती है। पोलियो के बाद आपका क्या आ जाता है, हेपेटाइटिस बी, क्या, हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी आ जाती है। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर मीजल्स, मीजल्स को क्या कहा जाता है हिंदी में, खसरा रोग यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैंने अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो केंद्र सरकार है उन्होंने मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताया है, सात टीका निवारणी रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण यहाँ पर होता है। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है पर्टियोसिस जिसको काली खांसी कहा जाता है, नेक्स्ट है आपका टिटनेस, चौथा है आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो टीबी की बीमारी हो जाती है आपको, फिर आपका पोलियो आ जाता है, फिर हेपेटाइटिस बी रोग हो जाता है, और फिर मीजल्स हो जाता है यानी कि खसरा नमक का यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, राइट। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, बी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, सभी ने लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है पुष्पम, थैंक यू सो मच। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, द मिशन इंद्रधनुष लॉन्चेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज इन कनेक्टेड विद, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अभी जस्ट पढ़ाया है बच्चा, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तानिया, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे बेटा। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर यह देखेंगे बच्चों के टीकाकरण से किससे जुड़ा हुआ है, यह इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के टीकाकरण से यह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पर किया। आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिन्होंने अभी तक साइंस हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है तनीषा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा हुआ है, अगेन देखो एक ही क्वेश्चन है लेकिन बार बार कितने अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमें पता ही है क्या उसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए, बच्चों का टीकाकरण से यह जुड़ा हुआ है। देखो एक ही है, एक ही क्वेश्चन है पर कितने तरीके से वह इसको पूछ रहा है, ठीक है अमित, ओके वेरी गुड निशा। आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है और एक तरफ सूची सेकंड यहाँ पर दी गई है, और इसको मिलान करके हमें यहाँ पर बताना है, इसको मिलान करके हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बहुत ही छोटा आप लोगों को यह दिखाई दे रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाते हैं, तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, ठीक है, फिर इसी चीज को हम यहाँ पर हिंदी में देख लेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है। चलिए तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस,
अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो यह जो कार्यक्रम था वह 1976 में स्टार्ट किया गया था। कब? 1976 में स्टार्ट किया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में तो यह 1975 में स्टार्ट किया गया था। फिर हम बात करते हैं नेशनल लेप्रोसी के बारे में, यानी कि जो कुष्ठ रोग का जो प्रोग्राम है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था वह कब किया गया था? आंसर है 1983 में किया गया था। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो प्रोग्राम है वह 2005 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आप लोगों को हिंदी में भी दिखा देती हूँ। हिंदी में अगर आप देखो तो ये रहा आपका यहाँ पर हिंदी में, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। चलो ओके, अब दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो अंधापन नियंत्रण के लिए जो सांस्कृतिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है वह कब स्टार्ट किया गया था? आप बताएंगे यहाँ पर कि 1976 में। एकीकृत बाल विकास योजना कब स्टार्ट किया गया था? 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता आप बताएंगे 1983 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमरीश आज वो गणतंत्र दिवस है ना बेटा, ठीक है, तो कल आपकी क्लास कब कब होगी? बेटा दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, टाइम टेबल दिया होगा। चले अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFH 7 5 डज नॉट इंक्लूड। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में शामिल नहीं है। चलिए जल्दी ध्यान से करेंगे इसका यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात करनी है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है उसके अंदर अगर आप देखो तो प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं उनको प्ले ग्रुप वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि शिक्षा के बारे में उनको पता होना चाहिए। यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के अंदर रखा गया है। दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेथ यानी कि मृत्यु दर का आंकड़ा, यानी कि किनकी किनकी मृत्यु हो गई है परिवार में उनके बारे में यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इसके बारे में पूरा लेखा जोखा और इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से जानकारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण यहाँ पर रखता है। लेकिन HIV टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है वह ये कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। नहीं रिदम टॉपिक वाइज क्लास होगी, 6 बजे से होगी कल, परेशान मत हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करें कि जो भी हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसके अंदर HIV टेस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसके अंदर इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि अगर हम बात करें तो उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाती है, मधुमेह के बारे में दी जाती है, मृत्यु का पंजीकरण है वह सब यहाँ पर बताया जाता है और प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये नए तरीके का क्वेश्चन था, इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या है? अगर हम यहां पर बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है, चलो चलिए ध्यान से करेंगे यहां पर। और एक चीज मैं यहां पर पहले थोड़ा सा ठीक कर देती हूं कि ये जो यहां पर लिख गया है क्या शराब जो लिख गया है ये गलत लिख गया है। यहां पर आप अल्कोहल शब्द का ही प्रयोग करिए, अल्कोहल शब्द का ही यहां पर प्रयोग करिए। ठीक है, चलो तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर अगर हम करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? आप बताएंगे कि सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लो। फैटी एसिड फाउंड इन एनिमल फैट, यानी कि जो भी हमारा एनिमल फैट होता है, जो भी हमारे जंतुओं का पशु का जो भी वसा होता है उसके अंदर जो फैटी अल्कोहल पाया जा रहा है यानी कि वसा युक्त जो अल्कोहल पाया जा रहा है उसी को ही क्या कहा जा रहा है? कोलेस्ट्रॉल यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है अलका, वेरी गुड। ठीक है रवि, नमस्ते बेटा। ठीक है सभी को समझ आ रहा है ना? ठीक है ईशा, कविता, अनुज, सूरज, बहुत बढ़िया। अरमान,
तो अगर हम फैटी अल्कोहल के बारे में बात करते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फैट और ऑयल से इसको निकाला जा सकता है। यह कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होता, किसी भी तरह का रंग इसका नहीं होता, रंगहीन यह होता है। और स्मेल लेस यह होता है। कैसा होता है? स्मेल लेस यहाँ पर होता है। स्मेल लेस होने का मतलब है कि इसमें किसी भी तरह की कोई सुगंध वगैरह नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका हम आसानी से क्रिस्टल वगैरह बना सकते हैं। और अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है तो ह्यूमन को हार्ट डिजीज भी यहाँ पर हो जाता है, यानी कि हृदय संबंधी रोग भी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल क्या है? चलिए चलिए ध्यान से करेंगे, कोलेस्ट्रॉल क्या है? बिल्कुल सही बात है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक तरह का स्टेरॉइड होता है। क्या होता है? एक तरह का स्टेरॉइड होता है। तो फटाफट से इसको यहां पर नोट कर लीजिए। नहीं नहीं राज, यहां पर कोई डॉग नहीं भौंक रहा है, परेशान मत हो। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। ठीक है अलका, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है त्रिभुवन, तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक तरह का यह स्टेरॉइड होता है। ठीक है, क्लियर है? क्यों क्यों यह स्टेरॉइड होता है? क्योंकि इसमें वसा की मात्रा होती है, इसीलिए। आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एबनॉर्मल लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड विद। अगर आप यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का जो असामान्य स्तर है वह किससे संबंधित है? ठीक है इंद्रजीत, नमस्ते बेटा, जल्दी से बताओ। दानिश, राज, राज राठौड़, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बताया था, जस्ट मैंने बताया था कि क्या हृदय संबंधी रोग यहाँ पर हो जाता है, है ना? तो हृदय संबंधी जब रोग यहाँ पर हो जाएगा, इसका साफ मतलब है कि धमनियों में यह रुकावट पैदा करेगा अगर ज्यादा यह हो जाता है, और इसी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है दिनेश, अमन, वेरी गुड। तो आंसर की अगर आप बात कर रहे हैं तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डॉक्टर्स रिकमेंडेड दैट वी शुड कुक अवर फूड इन ऑयल रदर देन इन वनस्पति घी, बिकॉज डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें अपना भोजन तेल में बनाना चाहिए, ना कि वनस्पति घी में बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चलो जल्दी से आंसर करेंगे राज, और जल्दी से आंसर करिए अनुज। कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? कविता, चमन, बहुत बढ़िया। ठीक है ईशा, वेरी गुड। आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज ऑयल कंटेन असैचुरेटेड फूड फैट, यानी कि तेल में असित्र वसा यहाँ पर होती है। तो अनसैचुरेटेड फैट इंक्लूडेड द टू हर्ट हेल्दी चॉइसेस, है ना? अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि यह पॉली अनसैचुरेटेड होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट यह रखता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो फिश से, प्लांट ऑयल से, सीड से, नट्स से, है ना, इनको लिया जाता है, तो यह काफी हेल्दी होते हैं। आप अगर अपने बॉडी के बारे में बात करें तो इनको गुड कोलेस्ट्रॉल आप ऐसा यूज इसके लिए कर सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सीखते रहो, है ना, नई नई चीजें यहाँ पर आप सीखते रहो। ठीक है बिंद्रा पाल, बहुत बढ़िया। आगे अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ट्रांस फैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी बैड फॉर ह्यूमन बिकॉज इट लोअर्स द लेवल ऑफ। ट्रांस वसा को आमतौर पर मानव के लिए बुरा माना जाता है क्योंकि यह निम्न स्तर का होता है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? ठीक है राज, थैंक यू, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल विनय, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल मोहित, कल 6 बजे क्लास होगी बेटा। आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, HDL। क्या? HDL। अब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है प्रतिमा, आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जो यह कह रहे होंगे कि ए ये जो HDL है यह क्या है, है ना, आप में से आपके मन में यह आ रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यह एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल यह होता है। और इसकी अगर आप बात कर रहे हो तो यह ब्लड स्ट्रीम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो LDH, ठीक है, तो यह एक कोलेस्ट्रॉल है जो कि कैसा है, आपकी ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी अच्छा यह होता है। क्लियर है? चलिए
अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, बेटा मैंने क्या कहा, यह हार्ट डिजीज उतना नहीं करता है, ये रिड्यूस करता है आपके हार्ट डिजीज को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वेजिटेबल ऑयल इज सुटेबल फॉर हार्ट पेशेंट, हृदय रोगियों के लिए कौन सा वनस्पति तेल उपयुक्त है। चलो चलिए सांस करेंगे, ठीक है प्रतिमा, हैप्पी किंग, रवि, चलो चलिए सांस करो इसका पंकज, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ईशा, अलका, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए यहाँ पर। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरजमुखी का तेल। अगर आप यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल के बारे में बात करते हैं, और आप बहुत बढ़िया राज राठौर, वेरी गुड, तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं सूरजमुखी के तेल के बारे में, तो जो सूरजमुखी का तेल होता है वह हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई है। चलो हाँ, अगर आप बात करते हैं ना सैचुरेटेड फैट के बारे में, तो इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता है, तो अगर आप इसको खाएं तो किसी भी तरह का आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपका डिपोजिशन नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता है। चलो दी माता के मिल्क में कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, माता के अगर उसमें भी आपका HDL ही पाया जाएगा, है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें भी, ठीक है, कोई बात नहीं माया, इट्स ओके, ठीक है गुंजन। आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सत्या, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, इसमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। चलो जल्दी से आंसर करो फटाफट से, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखते कितने बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर, बहुत बढ़िया, आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पर क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है आनंद, कोई बात नहीं बेटा, डरते नहीं है, डर के आगे जीत है। तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लोरोफिल के बारे में, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर आप बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगर आप यहाँ पर टेबल सॉल्ट यानी कि खाने वाले नमक के बारे में बात करते हैं, तो उसमें सोडियम पाया जाता है या सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगर आप वॉशिंग सोडा के बारे में बात करते हैं, तो उसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता बेटा, उसमें क्या पाया जा रहा है आप बताएंगे, कि उसके अंदर पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट, क्या पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो जो वॉशिंग सोडा होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, चीजों को धुलते हैं, अगर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो जो पोटेशियम यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। रवि इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देना, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगी, परेशान मत हो, ठीक है, ओके लखन, नमस्ते। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अंशु घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, घबराइए मत, जो कुछ भी आपने पढ़ा है बेटा उसी से ही क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत हो, ठीक है राज, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, आयोडीन किससे प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर आयोडीन के बारे में बात करते हैं, तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है, चलो चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर। आयोडीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, यह मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर बताया है, मैंने यह भी बताया है कि यह ब्राउन कलर के एल्गी से सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ब्राउन कलर का जो एल्गी होता है वह कौन सा होता है, ऑप्शन ए लेमिनेरिया, क्या होता है यहाँ पर, लेमिनेरिया। तो अगर आप यहाँ पर लेमिनेरिया के बारे में बात करते हैं, तो जो भी आपका लेमिनेरिया है वह एक तरह का क्या है बच्चा, एल्गी है, क्या है वह, एक तरह का यहाँ पर एल्गी है, ठीक है, और एल्गी को हिंदी में क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है, तो यह एक तरह का शैवाल होता है, क्लियर। और ये जो शैवाल होते हैं इनको ब्राउन एल्गी कहा जाता है, भूरे रंग का शैवाल इनको यहाँ पर कहा जाता है, और उसके साथ साथ इनका जो दूसरा नाम है वह कैल्प नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले ठीक है अंकित, बहुत बढ़िया,
अगर इससे पहले आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, पता है ना आपको, बहुत बड़ी भयंकर आग लगी थी, तो वहां पर जो कैल्प है यानी कि लेमिनेरिया है, जो ब्राउन कलर के एल्गी है, वो जल करके यहाँ पर नष्ट हो गए थे, है ना। तो यह करंट अफेयर में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। नेक्स्ट, ठीक है सुमित, चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि यह जो लेमिनेरिया होता है, यह सी विड के नाम से फेमस है, इसको समुद्री घास भी कई बार कहा जाता है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बेसिकली कहां पर हुई है, जापान में हुई है। ठीक है अंशु, कहां पर हुई है बेटा, जापान में हुई है। और अगर आप इसको देखें तो ये खाने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मेडिसिन के लिए भी यह बहुत ज्यादा यूज यहाँ पर किया जाता है। नमस्ते ऋतुराज, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द सब्सटेंस एब्यूडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड इन द सर्टेन डिफिशियंसी डिजीज। अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रचुर मात्रा में समुद्र में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में भी प्रसारित यह है। चलो चलिए आंसर करेंगे इसका यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बेटा देखो, यहाँ पूछ रहा है कि एक ऐसी चीज, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, आयोडीन के बारे में, तो जो आयोडीन है वह समुद्री पानी में बहुत ज्यादा अच्छे से पाया जाता है, और अगर आपकी बॉडी में, ठीक है अंकित, आपकी बॉडी में अगर इसकी कमी हो जाती है तब आपको किस तरह का रोग हो जाता है, उस रोग का नाम क्या है बच्चा, उस रोग का नाम है यहाँ पर ग्वाइटर डिजीज। क्या? ग्वाइटर डिजीज, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, घेंघा नाम का रोग कहा जाता है, जिसमें आप अगर अपने थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, जो आपका थायराइड ग्रंथि होता है, उसको यह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ना, ये चीज आपको पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है विजय, बहुत बढ़िया, डी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। चलो जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, बताइए जल्दी से। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, नमक, वॉशिंग सोडा, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया है। अगर आप देखो तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, इसका जो आंसर है वो क्या है, डी आंसर है, सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, पोटेशियम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हाँ धीरज, आप यहाँ से कर सकते हैं, SSC की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, यह आपको फायदा पहुंचाएगा बहुत ज्यादा। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, और यहाँ पर आपको उसको क्या करना है, मैच करके बताना है। चलिए चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर, मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसको यहाँ पर। ठीक है राहुल, मीना, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, हैप्पी किंग, चलो ओके, ठीक है ठीक है प्रकाश, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, अगर आप यहाँ पर बोन्स के बारे में बात करते हैं तो आपके जो बोन्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, नहीं नहीं कैल्शियम पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे कर लो कि पहले का जो जोड़ी बन जाएगी वो किसके साथ बन जाएगी, फोर्थ के साथ यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में कि एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर, अगर आप यहाँ पर विनेगर के बारे में बात करते हैं, सिरका के बारे में बात करते हैं, तो सिरका में कौन सा एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तब आपको आंसर करना है यहाँ पर एसिडिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सोरिंग ऑफ द मिल्क, क्या सोरिंग ऑफ द मिल्क, तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे पेन से कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सोरिंग ऑफ द मिल्क यानी कि दूध का जो खट्टापन है वह किसकी वजह से हो जाता है बच्चा, लैक्टिक एसिड की वजह से हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है यहाँ पर, लैक्टिक एसिड की वजह से हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर सबसे लास्ट में बात करते हैं फलों का पकना, फलों का पकना एक तरह के प्लांट हार्मोन की वजह से होता है, तो वह क्या हो गया आपका यहाँ पर, इथिलीन यहाँ पर नाम हो गया है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कैसे पढ़ लो फिर बताऊंगी। टूथपेस्ट में नमक है, मेरे में तो पूरा है। ठीक है, पुदीना, हरी धनिया, हरी मिर्च, ठीक है, अब सुबह में मसाला नहीं यूज करवाती हूँ, बस वही डाल लेती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट बन जाता है। बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, मस्ती मजाक बहुत करते हो मेरी क्लास में। ठीक है, तो याद हो गया। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि आपके बोन्स में, आपकी हड्डियों में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट, फिर आपसे पूछा जाएगा विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड, जो दूध होता है, दूध खट्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां पर आ जाता है। फिर हम बात करेंगे राइपनिंग ऑफ द फ्रूट यानी कि जो फलों का पकना है वह किसकी वजह से हो रहा है, इथिलीन की वजह से हो रहा है, जो कि एक तरह का क्या है, प्लांट हार्मोन है। ठीक है बच्चा, क्लियर है, सभी को समझ आ गया है।
ओके ठीक है जयवीर, बहुत बढ़िया। ठीक है गुंजन, आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको जोड़ी बनाना है, ये तो यही वाली बात हो गया, भगवान जी बन गए हो तुम। जितेंद्र, हेलो बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो। ठीक है लखन, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या हो गया था, कहाँ थे इतने दिनों तक। चलिए इसका आंसर करेंगे हम यहाँ पर हिमानी, कहाँ हो बच्चा तुम भी, चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका। पंकज, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। सुबह 6 बजे वाली क्लास नहीं होती बेटा, शाम को 6 बजे वाली क्लास होती है। अच्छा हैप्पी किंग कह रहे हैं कि मैम आज एक गाना सुनाना। अच्छा मुझे गाना गाना नहीं आता है, मुझे सिर्फ पिटाई करनी आती है जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। ठीक है सुनील, कौन सा आंसर होगा जल्दी बता दीजिए बेटा। नहीं, अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं बताया। ठीक है, अगर आप बात करते हैं स्किन कैंसर, स्किन कैंसर किसकी वजह से हो जाता है, तो आंसर आपको करना है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणें जब हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा पड़ जाती हैं, तब आप देखेंगे स्किन कैंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो उसको डेसिबल से नापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किससे नापा जाता है, डेसिबल से नापा जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो बेसिकली हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए किसकी वजह से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मिथेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर हो रही है। इधर ईपीएफओ के लिए भी है क्या, हाँ पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ओजोन होल के बारे में। ओजोन होल की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए कि अगर आप ओजोन होल के बारे में बात कर रहे हैं तो ओजोन होल किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लो। हाँ बिल्कुल सुनील, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। ठीक है ओके, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े अब हम यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर जोड़ी हमें बनानी है। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर जोड़ी बनानी है। एक तरफ लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस, फिर लिखा है राइजोबियम, फिर लिखा है ईस्ट, फिर लिखा है एस्परजिलस। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है रवि, जल्दी से आंसर बताएंगे। ठीक है प्रतिमा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा, लाइव क्लास ही है बेटा सुमित, ये लाइव क्लास ही चल रही है। तो आंसर की अगर आप बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैसे जो आपका लैक्टोबैसिलस है वो प्रिपरेशन फॉर द कर्ड, दही बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। प्रिपरेशन फॉर द कर्ड, दही बनाने के लिए उसका यहाँ पर यूज किया जाता है ना, लैक्टोबैसिलस का। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर, अच्छा ठीक है आनंद, पढ़ाई कर लो, भूत के बच्चे पढ़ाई करो, मैं भूत हूँ मैडम, हाँ ठीक है तुम भूतों पर पढ़ लो यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो राइजोबियम है वह क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यहाँ पर करता है, यानी कि नाइट्रोजन का निर्धारण यह करता है, बहुत बढ़िया। खमीर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो यूज किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, अल्कोहल प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है, यानी कि शराब वगैरह बनाने के लिए खमीर ईस्ट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है अमरेश, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं एस्परजिलस के बारे में, तो एस्परजिलस से क्या यहाँ पर बनता है, आप बताएंगे साइट्रिक एसिड यहाँ पर बनता है। क्या बनता है, साइट्रिक एसिड यहाँ पर बनता है, या सिट्रिक एसिड भी यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। अंशुल, मैंने नेशनल पार्क के ऊपर क्लास ली हुई है बेटा, आप देख सकते हैं एनवायरमेंट वाले सेक्शन में आप लोगों को वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है चलो, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेडी इज, टेडी के किण्वन में शामिल एक जीव यहाँ पर कौन सा है। तो ये टेडी नहीं है एक्चुअली में, यह टोडी है। क्या है, यह टोडी है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप टोडी के बारे में बात करते हैं तो जो भी आपका टोडी है, इट इज द रॉ अल्कोहलिक बीवरेज, यानी कि यह एक तरह की कच्ची शराब यह होती है, क्या, टोडी। ठीक है टोडी, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो टोडी बनाने के लिए, टोडी फर्मेंटेशन के लिए, टोडी के किण्वन करने के लिए किसका यहाँ पर यूज किया जाता है। यह बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे अभी भी इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लिख लीजिए
लीजिए यहाँ पर एस्क्रोमाइसिटीज, और एस्क्रोमाइसिटीज क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक तरह का फंजाई है या एक तरह का यहाँ पर कवक है, और जिसका प्रयोग किसके अंदर किया जाता है आप बताएंगे कि दही बनाने, सॉरी दही नहीं, टोडी बनाने के लिए इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है दीपक कुमार वेलकम। ठीक है अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। चलो जल्दी से बता दो। हाँ अखिलेश प्लेलिस्ट यहाँ पर दी गई है, चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो टोडी बनाने के लिए भी किण्वन की प्रक्रिया की जा रही है, फर्मेंटेशन किया जा रहा है। तो फर्मेंटेशन की अगर आप बात करें तो फर्मेंटेशन के लिए एक ईस्ट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और उस ईस्ट का नाम, उस फंजाई का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिटीज सेरेविसी है। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं सैक्रोमाइसिटीज तो उतना भी यहाँ पर यह सही होगा। अन एकेडमी एप्लीकेशन में मेरी क्लास 9:45 सुबह होती है, ठीक है, तो आप लोग उसमें भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइक्रोब कॉमनली यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन वाइन इंडस्ट्री इज ए। शराब उद्योग में मादक किण्वन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक सूक्ष्म जीव कौन सा है। चलो जल्दी से आंसर करो यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा, चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। और जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से, और जिन्होंने अभी तक साइंस हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलो जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन जो ए होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आप इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े लंबे तौर तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जब शराब का अल्कोहल का अल्कोहल बनाया जाता है, वाइन इंडस्ट्री हो या कोई भी मादक किण्वन यहाँ पर किया जा रहा है, तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि खमीर का यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है बात समझ आ गई है। ठीक है मन की बात परवीन, बताइए जल्दी से क्या डाउट है बेटा आपका। चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यह जिन बच्चों ने एनवायरमेंट की क्लास मेरी की होगी उनको पता होगा इसका आंसर। चलो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बायो मैग्निफिकेशन मीन्स, अगर आप यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो बायो मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, मैंने बहुत ही अच्छे से यह क्वेश्चन बताया है। चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन के बारे में तो आंसर जो होगा वह यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है थैंक यू सो मच सुमित। गुंजन बटरफ्लाई उड़ गई है ना, अब इतनी दिखाई देगी। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है क्लियर है। ठीक है लखन पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। तो अगर आप यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन बात के बारे में बात करते हैं तो यह क्या है आप बताएंगे, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द पेस्टिसाइड इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, यानी कि क्रमिक ट्रॉपिक स्तर के जीवों में कीटनाशकों की जो बढ़ती हुई मात्रा होती है उसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब आधे जो बच्चे होंगे उनके तो सिर के ऊपर से निकल गया होगा कि ये मामला चल क्या रहा है, तो उसको मैं बताती हूँ कि क्या चल रहा है। देखो इसको बायो मैग्निफिकेशन को दो तरीके से बांटो, एक तो आपका हो गया क्या यहाँ पर बायो, ठीक है देखो ये अटक गया इसी में, रुक जाओ एक मिनट, अब ठीक है एक हो गया आपका बायो और दूसरा क्या हो गया आपका यहाँ पर मैग्निफिकेशन। ठीक है अब अगर हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन मतलब होता है छोटी जो चीज है वह जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी एक ट्रॉपिक लेवल से, एक ऊर्जा स्तर से, एक जीव से दूसरे जीव में अगर जाती है, जैसे आपने फूड चेन के बारे में बात की होगी ना, तो जो फूड चेन है, ठीक है, जो यहाँ पे परवीन जी कह रहे हैं कि मैम जा चुकी है वो, अरे भाई पढ़ ले मेरे, पढ़ ले यहाँ पर, ठीक है इधर उधर की बातें कर रहे हो तो ठीक है हैप्पी।
तो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं फूड चेन के बारे में, किसके बारे में? फूड चेन के बारे में, तो जो भी आपका फूड चेन है उसमें एक जंतु दूसरे जंतु को खा रहा है और ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने इतना ज्यादा पॉल्यूशन किया है और मरकरी यानी कि पारा पानी में बहुत ज्यादा हो गया है। अब पानी में वो बहुत ज्यादा हो गया है और उसको कोई एक मछली खा लेती है। अब उसमें जो भी कीटनाशक है, मरकरी है या फिर कॉस्मेटिक का सामान है, कुछ ड्रग है, वो सारी चीजें उसके अंदर है, ठीक है। और जब उसको कोई एक इंसान खा रहा है या उसको कोई बड़ी मछली खा रही है, तब आप देखेंगे कि उसका जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी सांद्रता है, वो भी बहुत बढ़ती जाएगी, टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल यानी कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जब इस तरह के टॉक्सिक मटीरियल, इस तरह के जो हानिकारक पदार्थ हैं, वह जब पहुंचेंगे तो उनकी टॉक्सिसिटी, उनकी जो विषाक्तता है, वह भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। खास तौर से जैसे कीटनाशक होते हैं, पारा होता है जिसको आप मरकरी कहते हो, है ना, या कोई भी ऐसा पदार्थ जैसे हैवी मेटल है, तो इसी को क्या टर्म दिया गया है? बायोमैग्निफिकेशन, इसको यहां पर दिया गया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में हम बात करेंगे इसके बारे में। लिखा हुआ है यहां पर असर्शन सबसे पहले कि हर्बिसाइड्स कैन डिस्ट्रॉय वीड्स विदाउट हार्मिंग यूजफुल प्लांट्स, और इसका रीजन दिया हुआ है हर्बिसाइड्स आर एब्जॉर्ब इन डिफरेंट रेट्स बाय वीड वांड क्रॉप प्लांट्स। अब यहां पर आपको बताना है इसके ऑप्शन को देख करके, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू परवीन, थैंक यू। चलो अब इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो जो अभिकथन यहाँ पर दिया गया है वो है, जड़ी बूटी उपयोगी पौधों को नुकसान पहुंच गया बिना खरपतवारों को नष्ट या कर सकता है, और खरपतवार की फसल के पौधों द्वारा जड़ी बूटियों का विभिन्न दरों में अवशोषित किया जा सकता है। चलिए अब यह मैंने आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दिया है, अब जल्दी से इसका आप सभी यहाँ पर आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आलोक सोना नहीं है, पढ़ाई करो जल्दी से। चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका, यहाँ पर आंसर जो होगा वह ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर जो ए होगा वह बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर यानी कि जो आपका असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, दोनों यहाँ पर सही है, और जो रीजन है, जो कारण है, वह बिल्कुल बता रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है वह यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर आप यहाँ पर हर्बिसाइड्स के बारे में बात करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, खरपतवार नाशी या फिर जड़ी बूटी नाशी जिसको कहा जा सकता है, यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसकी हमें जरूरत नहीं है फिर भी वह हमारे खेतों में उग गया है, उसको क्या कहा जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं, जो भी प्लांट हमें चाहिए उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो जो ऑप्शन ए है वो यहां पर बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जनरली ओरोबेंच वीड इज फाउंड इन, आमतौर पर जो ओरोबेंच वीड है वह कहां पर पाया जाता है। अब इसको ध्यान में रखना, ये डबल ई है, ठीक है, वीड है, यह वीड मतलब खर पतवार। चलो जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हैप्पी किंग बेटा, पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, आंसर जो होगा वह होगा यहाँ पर टेबेको, ठीक है। कितने बजे तक क्लास चलेगी? अभी तो लंबी चलेगी बेटा जी, है ना, ये मैराथन क्लास है तो अभी तो लंबी क्लास चलेगी। यहाँ अर्पित, आज 26 जनवरी थी इस वजह से 6 बजे वाली क्लास नहीं हुई, क्योंकि मैं आज मैराथन क्लास करा रही हूँ। आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आप बताएंगे, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, टोबेको फील्ड। क्या? टोबेको फील्ड। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो टोबेको फील्ड होता है वहां पर आप देखेंगे कि एक ओरोबेंच नाम का वीड यानी कि एक खरपतवार वहां पर ज्यादातर उगने लग जाता है, जो क्या काम करता है, टोबेको फील्ड को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जो कुछ भी आपका टोबेको के प्लांट होते हैं उसको बहुत ज्यादा यह नुकसान पहुंचाने का काम यहाँ पर करता है। अमरीश टाइम टेबल देख लीजिए बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल फ्लोरा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्थानीय वनस्पतियों के बारे में जानकारी निम्न से प्राप्त की जा सकती है। चलिए चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल फ्लोरा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जो स्थानीय वनस्पतियां हैं उनकी जानकारी किससे यहाँ पर प्राप्त की जाती है। चलो चलिए आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर जो होगा वह यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्बेरियम। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? हर्बेरियम, जिसको क्या कहा जाता है, सूखी वनस्पतियों का संग्रहालय यहाँ पर किया जाता है। ठीक है अभिषेक, आप आराम करिए और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, परेशान मत होना, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है बेटा? अब ज्यादा देर तक मत जगो, सो जाओ। जिनका कल एग्जाम है वो सो जाइए, और जिनका एग्जाम कल नहीं है वो चुपचाप से पढ़ाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो आंसर की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो हर्बेरियम फाइल है उससे बहुत अच्छे से पता लगता है कि हमारे आसपास में किस तरह की वनस्पति है। दूसरी बात यह है कि जब आप छोटे होगे ना, जब आप स्कूल में होगे तो आपने देखा हर्बेरियम फाइल, हम तो बहुत हर्बेरियम फाइल बनाते थे, बहुत ज्यादा हर्बेरियम फाइल बनाते थे ना, सूखी पत्ती वो ऐसा करके न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर के बीच में दबा करके फिर उसको बेड के नीचे दबा दिया जाता था, फिर वो 3-5-6 दिनों बाद सूख जाती थी, फिर उसको सेलो टेप या फिर फेविकोल से चिपकाया जाता था, है ना? चलो अनुराग कह रहे कि मैम आज गाना सुनाएंगी, मतलब सब पीछे ही पड़ के रह गए बेटा, नहीं होता, नहीं आता गाना गाना मुझे, पिटाई करना आता है और पढ़ाना आता है बस। चलो अब जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? कौन से दिन कौन सा डे बनाया जाता है, बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? बेटा यहाँ बायो की ही मैराथन है, बायो की है, इन्वायरमेंट की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, है ना? चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। 5 जून को क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है 5 जून को? मलय जल्दी बताओ 5 जून को क्या बनाया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इन्वायरमेंट डे। क्या क्या बनाया जा रहा है? इन्वायरमेंट डे, 5 जून को पर्यावरण दिवस यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस बनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है? भाई टीचर्स डे हम लोगों का दिन रहता है ना, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, क्या टीचर्स डे बनाया जाता है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे नोट कर लो, क्या बनाया जा रहा है 5 दिसंबर को टीचर्स डे बनाया जा रहा है। 16 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? आप बताएंगे फूड डे बनाया जाता है। तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। चलो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, हाँ बिल्कुल फीमर होती है, नहीं फीमर ही होती है बेटा, फीमर ही होती है सबसे बड़ी हड्डी। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिना नाम वाला कौन है, आप लोगों का दिन 5 दिन बिना नाम वाले, अपना नाम तो बता दो। चलो क्लियर है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर है उस हिसाब से आप देखेंगे कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, है ना। चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर से जोड़ी बनाएंगे हम, आज हम भगवान जी बन गए, रब ने बना दी जोड़ी List 1 और List 2 की। चलो ठीक है, मिस्टर पॉपुलर नमस्ते, अनुराग, पवन, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? आलो पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीवी डे कब बनाया जाता है, वर्ल्ड टीवी डे कब बनाया जाता है? आंसर आपको करना है 24 मार्च को बनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है। एंटी लेप्रोसी डे यानी कि जो कुष्ठ रोग से लड़ने के लिए जो दिन होता है वह कौन सा होता है? तो आपको आंसर करना है लास्ट संडे ऑफ जनवरी, यानी कि जो भी आपका जनवरी होगा ना उसका जो लास्ट संडे होता है उसको बनाया जाता है, पर यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पर 31 जनवरी को टिक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंटरनेशनल ओजोन डे के बारे में बात करते हैं तो आप 16 सितंबर को इसको यहाँ पर बनाते हैं, तो फटाफट से इसको यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। चलो फिर से बता देते हैं, टीवी दिवस कब बनाया जाएगा? 24 मार्च। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर। एंटी लिप्रोसी डे यानी कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आपको करना है कि यह बनाया जाता है 21 जनवरी लेकिन 21 जनवरी वाले बच्चे हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी यानी कि जनवरी में जो लास्ट
संडे होता है, लास्ट जो रविवार होता है उसमें इसको बनाया जाता है, ठीक है। फिर आपका आएगा इंटरनेशनल ओजोन डे, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 दिसंबर को यहाँ पर बनाया जाता है, राइट। तो ऑप्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ठीक है संजीव, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन जुलाई 2004, अगर आप यहां पर बात करते हैं जुलाई 2004 के बारे में, तो वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेशन ऑफ एचआईवी एड्स ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्ल्ड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए यह 2004 के बारे में पूछा है, पर अभी आपका ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं जनरली, लेकिन याद कर लो, ठीक है। तो हुआ क्या था, अगर हम बैंकॉक के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, बैंकॉक के बारे में बात करते हैं, तो बैंकॉक में 2004 में एड्स एचआईवी के ऊपर बहुत ही बड़ा एक लार्जेस्ट सेशन वहां पर रखा गया था, 16 जुलाई 2004 थाईलैंड में रखा गया था, है ना, थाईलैंड बैंकॉक में ही पे ये है ना। तो बैंकॉक द कैपिटल सिटी ऑफ द थाईलैंड, यानी थाईलैंड की जो कैपिटल सिटी है, जो राजधानी है, बैंकॉक है, वहां पर यह रखा गया था। और इसके अंदर अगर आप बात करें तो बहुत ही लंबी चौड़ी बात हुई थी, और यहीं पर यह डिसाइड हुआ था कि 1 दिसंबर को हम क्या करेंगे, वर्ल्ड एड्स डे बनाएंगे, इसी तारीख को यहां पर डिसाइड हुआ था, ठीक है। चलो ठीक है अनूप, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ गया है रिपीटेड, तो ये तो बिल्कुल आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो यहां पर अगर आपको ध्यान रखना है कि 1 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है, 1 दिसंबर को क्या यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे, है ना, 1 दिसंबर को यहां पर किया जाता है, राइट, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिर से वही पूछ रहा है एड्स दिवस, तो आप बताएंगे पहली दिसंबर, ठीक है, क्या पहला दिसंबर, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है संजीव, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आप लाइव कहां से हैं। मैं लाइव बेटा एक्चुअली दिल्ली से हूँ, अपने स्टूडियो से हूँ, और वाईफाई किसान आंदोलन चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना, तो वाईफाई उतने अच्छे से बोर्ड पे काम नहीं कर रहा था, इस वजह से लैपटॉप पे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। भारतीय क्लास तो हो रही थी बेटा, कल भी क्लास हुई थी। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, ये तीन आप लोगों को डे यहाँ पर बताए गए हैं। अब इनका सही क्रम क्या है, अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों को एक कैलेंडर वर्ष के रूप में मनाया जाए तो कौन सा दिवस कब यहां पर बनाया जाएगा। चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका, यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। नमस्ते शिवशंकर, मीना, ठीक है, चलो जल्दी से बता दो यहां पर कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। सूरज, विनोद, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले लेप्रोसी डे बनता है ना, अब लेप्रोसी डे तो दिया नहीं हुआ है, जो कि आपके जनवरी के अंतिम रविवार को बनता है। दूसरे नंबर पर वर्ल्ड टीवी डे बनता है ना, तो वर्ल्ड टीवी डे की अगर आप बात करते हैं, वर्ल्ड टीवी डे की अगर आप बात करते हैं तो वर्ल्ड टीवी डे बनता है आपका 24 मार्च को, कब बनता है 24 मार्च को। विश्व अल्जाइमर डे कब बनता है, आप बताएंगे 21 तारीख को, 21 सितंबर को यह बनता है। और विश्व एड्स दिवस की अगर आप बात कर रहे हैं तो यह 1 दिसंबर को यहां पर बनता है ना। तो अगर आप देखो तो आप यह देख सकते हैं यहां पर कि सबसे, अब देखो फोर्थ तो मिसिंग है, फोर्थ तो है ही नहीं, तो 3, 3, 2, 1 है ना, तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहां पर, आप बताएंगे डी ऑप्शन यहां पर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, है ना, यही तो होगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आप यह देखेंगे कि सबसे पहले आपका क्या बन रहा है, दिसंबर में बन रहा है। फिर दूसरे नंबर पर अगर आप बात कर रहे हैं, नहीं ये नहीं होगा, रुको एक मिनट, यहाँ पे ना एक ऑप्शन शायद मिसिंग है मेरे ख्याल से, पर इसको यहाँ पर याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा यहाँ पर, मार्च, यानी कि 2 बनेगा,
फिर एक बनेगा, फिर तीन यहां पर बनेगा। तो जहां पर दो एक तीन लिखा हो, दो एक तीन, वही यहां पर सही होगा। ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, चौथे नंबर को तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही यहां पर नोट कर लीजिए बेटा। यह ग्रुप डी के लिए ही यहां पर पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ग्रुप डी के लिए ही यहां पर पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको यहां पर नोट करना है, पर उससे पहले मैं एक काम करती हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि लैपटॉप का जो चार्जर है, चार्जिंग जो है वह खत्म हो गई है, तो इसको मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको आप जब तक सॉल्व करिए, जब तक मैं चार्जिंग में इसको लगा देती हूँ, ठीक है। मनीषा नमस्ते यहाँ पर, चले चलो बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल चार्जिंग में लग चुका है हमारा लैपटॉप, जल्दी से और जल्दी से आंसर करेंगे इसका। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा? ठीक है मनीषा, सी दैट का भी करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, अजीत क्लास तो आप लोगों की चल रही है, ठीक है मले, मॉन्स्टर कह रहे हैं रॉन्ग, 22 मार्च होगा, पता नहीं क्या ही कह रहे हैं। अच्छा शायद किसी बच्चे को बता रहे होंगे, ठीक है चलो बेटा जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है। मनीषा मैं आप लोगों के लिए कुछ करती हूँ यहाँ पर, हाँ लड्डू मिलेंगे सबको आज, ठीक है लड्डू मिलेंगे गोल गोल। चलो बताइए क्या आंसर यहां पर सही हो जाएगा? अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आ रहा है, चलो जल्दी बता दो। अगर आप यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है बेटा? कब मनाया जाता है इंटरनेशनल? हाँ नॉट करेक्टली मैच, तो बी और सी दोनों गलत दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहां पर देख रहे हो तो बी और सी दोनों यहां पर गलत दिया हुआ है, बी और सी दोनों यहां पर गलत दिया हुआ है। अगर आप यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में, तो वह तो 8 मार्च को यहां पर बनाया जाता है, ठीक है ठीक है करण नमस्ते। और अगर आप यहां पर बात करते हैं वाटर डे के बारे में, तो जो वाटर डे होता है वह 22 मार्च को बनाया जाता है, ये अप्रैल गलत हुआ है, तो ये क्या है मार्च को बनाया जाता है। और लेप्रोसी डे की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया था ना कि जनवरी में बनाया जाएगा, है ना, जनवरी के लास्ट संडे को यहां पर बनाया जाएगा। तो अगर आप यहां पर बात करें, ठीक है मॉन्स्टर बहुत बढ़िया, तो बी और सी दोनों यहां पर गलत है, बी और सी दोनों यहां पर गलत है। बाकी वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो यह 4 फरवरी को यहां पर बनाया जाता है, ठीक है अर्पित। चलो अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिस डेट इज नोन एज द डायबिटीज डे, किस तिथि को मधुमेह दिवस के रूप में जाना जाता है? नमस्ते मनीष, ठीक है किट्टू नमस्ते, चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर। बबलू प्रसाद कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कोई बात नहीं मल है, चलिए तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें, 14 नवंबर बिल्कुल सही बता रहे हो, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं करण बिल्कुल भी नहीं। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो पहले हम इंग्लिश मीडियम में बात करेंगे, फिर हम हिंदी मीडियम में बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड माइनॉरिटी डे, यानी कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर आपको करना है यहाँ पर 18 नवंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एनिमल डे कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ठीक है ज्योति। अब अगर आप बात करते हैं, तो आंसर यहां पर क्या हो जाना चाहिए आपका, लिस्ट को देख के बताइए, ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, नोट कर लो इसको जल्दी से यहां पर। हाँ बाल दिवस भी मनाएंगे, ठीक है ओके। तो अगर आप बात करते हैं अल्प दिवस जो होता है बेटा, वह 18 नवंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। एनिमल्स डे यानी कि तुम्हारा जो दिवस होता है ना वो कब मनाया जाता है आप बताएंगे? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। गणेश कहां थे इतने दिन तक बच्चा,
ठीक है किट्टू, चलो अब जल्दी से यहाँ पे आंसर करेंगे। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के को मिलाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और कोड इधर साइड में दिया हुआ है, कोड इधर आपका साइड में दिया हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। ये कोड है वो आपका साइड में दिया हुआ है। चलो चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। होली भी बना, हाँ बेटा तुम सब बना लेना। अच्छा ज्योति कह रही है कि अमृता मैम डे 20 नवंबर को बनाया जाता है, ठीक है ज्योति, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आगे, ठीक है। द बर्ड दैट नेवर मेक्स इट्स नेस्ट, एक ऐसा पक्षी जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है, एक ऐसा पक्षी जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो उसका नाम है चूको। क्या नाम है उसका यहाँ पर? चूको। या चूको को हम क्या कहते हैं, प्यार से चूको ही कहती हूँ मैं, एक्चुअली कोयल है ना, कोयल यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। तो एक ऐसा पक्षी जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बना रहा है, कोयल, ठीक है। और कोयल की अगर आप बात करते हो ना बेटा, ये बहुत चलाक होती है, बहुत सुंदर सुंदर गाना गाती है, दिखने में कौवे की बहन लगती है, और जब ये अंडा देती है तो चुपचाप जाकर के कौवे के उसमें अंडे दे देती है, ठीक है, उसके घोंसले में अंडे दे देती है, बेचारा जो कौवा होता है वो बुद्धू बन जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है अंशुल, आगे बढ़ो, हाँ बिल्कुल हैप्पी किंग। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाँ वेरी गुड मनीषा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। वह जानवर जो अपनी पूंछ हिलाता रहता है, जो एक ऐसे जानवर जो अपनी पूंछ हिलाता रहता है, कौन अपनी पूंछ हिलाता रहता है बताओ, कौन अपनी यहाँ पर पूंछ हिलाता रहता है? छिपकली, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें छिपकली, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि छिपकली भी अपना नेक्स्ट नहीं बनाती, अरे बच्चा जो छिपकली है वो रेप्टाइल है, पक्षी थोड़ी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर, सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? ब्लू वेल है, हमें पता है भाई ब्लू वेल है, एक तरह की मैमल होती है। और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल कौन सा है? चिंपेंजी है, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, तो जो ऑप्शन आपका होगा वह बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप इस कोड के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल ऑफ द इंडिया, भारत में निम्नलिखित जानवरों पर विचार करना है, मगरमच्छ के ऊपर और हाथी के ऊपर, और यह बताना है कि इस तरह से लुप्त प्राय प्रजाति यहाँ पर कौन सी है। चलो तो अगर हम यहाँ पर क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं और एलिफेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है कुमार संजीत, गुड नाइट बेटा। तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप मगरमच्छ के बारे में बात करते हैं और क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं, तो रेड डाटा लिस्ट के अनुसार जो कि IUCN, क्या होता है IUCN की फुल फॉर्म, IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो जल्दी से बताओ क्या होती है अभिषेक, IUCN की फुल फॉर्म, ठीक है। पवन, बिंद्रा, जल्दी से बताइए बेटा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि इंडिया के जो भी क्रोकोडाइल हैं, जो भी मगरमच्छ हैं और जो भी इंडियन एलिफेंट है, उनको किसके अंदर रखा है आप बताएंगे, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा है, यानी कि इनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले टाइम पर अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी देखरेख नहीं करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियां हाल ही में विलुप्त हो रही हैं? अबाउट होम इज सेड इंडियाज लार्जेस्ट वाइल्ड कैट हैज रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है अमरेश, गुड नाइट बच्चा। तो अगर आप यहाँ पर बात करें, जल्दी से आंसर करेंगे इसका यहाँ पर, अब कैट के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली में यह बिल्ली के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन बिल्ली की ही प्रजाति है, चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह, ये सब इसी के अंदर यहाँ पर आते हैं ना। तो चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए आंसर। कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जो चीता है ना, जो चीता है वो बहुत ही तेजी से विलुप्त होते चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो चमड़ी होती है, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। और अच्छा ठीक है इंस्टीट्यूट बीके चौधरी, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, और इसकी वजह से इनका बहुत ही ज्यादा हार्श होता चला जा रहा है, ठीक है राहुल, इसके आप देखेंगे। तो अगर आप बात करें हैं चीता के बारे में, तो चीता को क्या कहा जाता है? हंटिंग लियोपॉर्ड कहा जाता है, और यह इंडिया से एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। अभी तक जो इसका जो ज्यादातर नंबर देखा गया है चीता का, वो छत्तीसगढ़ में देखा गया है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ से भी क्या होता जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है। नहीं, लियोपॉर्ड नहीं होगा बेटा,
चीता होगा। चीते के लिए यह कहा जा रहा है इंडिया लार्ज वाइल्ड कैट, ठीक है। तेंदुए को, लेपर्ड को भी बिल्ली, जंगली बिल्ली कहा जाता है, लेकिन यहां पर अगर बात कर रहे हैं इंडिया लार्ज वाइल्ड कैट है ना, तो वह किसके लिए यूज किया जा रहा है, चीता के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले इंग्लिश में है, फिर इसको हम हिंदी में यहाँ पर देखते हैं। हाँ, 120 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, 3-स्टार ड्रीम यूपीएससी। और बेटा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो मैं आज आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगर आप लोग यहाँ से इस क्लास को कर ले रहे हो ना, तो आप यकीन मानो कि आपका पीसीएस का भी जो है वो नहीं छूटेगा। मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या अंतर है? बेटा मगरमच्छ और घड़ियाल की अगर आप बात करें, तो जो मगरमच्छ होता है उसका आकार काफी बड़ा होता है और काफी काफी खुरदुरी उसकी स्किन होती है घड़ियाल की एज कंपेयर, जो कम होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, घड़ियाल का जो सामने का जो नाक वाला हिस्सा होता है, उसमें घट की तरह, घड़ियाल घट घट घट, यानी कि एक पॉट की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। जबकि क्रोकोडाइल मगरमच्छ में ऐसा कुछ नहीं होता, क्रोकोडाइल के जो दांत होते हैं 13वें और 11वें नंबर के, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जबकि घड़ियाल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है अमरेश, थैंक यू। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो द टर्म सिक्स मास एक्सटिनेक्ट, सिक्स एक्सटिनेक्ट इज ऑफ्टन मेंशन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ, ठीक है। इसको पहले मैं आप लोगों को हिंदी में भी बता देती हूँ, हिंदी में एक्चुअली है नहीं, ओके। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि छठे नंबर पर जो सबसे ज्यादा एक्सटिनेक्ट हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा विलुप्त हो रहे हैं, वह क्या है। तो आपको यह बताना है कि यह एक्चुअली में डिस्कशन का सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पर बना हुआ है कि जो मैनकाइंड ओवर, यानी एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब यह है कि छह अलग अलग चीजों के लिए एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जहां पर भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां पर भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वहां पर जो मनुष्य है वह जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक है। जो नेचुरल हैबिटेट है, जो जंगली आवास है, वह लगातार खत्म होते जा रहे हैं। इकोसिस्टम, यानी कि जो भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, वह खत्म होता चला जा रहा है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो यह छह ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बहुत ही गंभीरता से विचार किया जा रहा है, और इसी को क्या कहा जा रहा है यहां पर, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, इसी को यहां पर कहा जा रहा है, जो कि एक तरह का छह विषय है जिनके ऊपर बात यहां पर की जा रही है। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच, इनमें से कौन सा यहां पर प्रॉपरली मैच नहीं है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर प्रॉपरली मैच नहीं है। चलो चलिए आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से कौन सा प्रॉपरली मैच यहाँ पर नहीं है। तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम बात करें, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो डी ऑप्शन है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, तो जो भी यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग है वह क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए को किस तरीके से हम उलट पुलट करके कुछ नया बना सकते हैं, उसी को क्या कहा जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जा रहा है। एम्ब्रियोसिंथेसिस के बारे में बात करें, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे यह पता चलता है कि माता के गर्भ में जो भी बच्चा पल रहा है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, यानी कि जो भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है उसमें किसी तरह का कोई गलत परिवर्तन तो नहीं आ गया है। बायोडिग्रेडेशन की अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो बायोडिग्रेडेशन मतलब होता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कोई भी कभी भी जटिल पदार्थ है, वह जटिल पदार्थ सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको बायोडिग्रेडेशन यानी कि जैव अपघटन कह रहे हैं। लेकिन बायोमास वाला जो सिस्टम है वह गलत है। बायोमास मतलब क्या होता है, इसको मैं समझा देती हूँ। तो अगर जो भी लिविंग बॉडी है, मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पर 100 किलो का है, उसमें लगभग 70% पानी है, तो बचा हुआ जो
बचा हुआ जो वेट होगा वो कितना होगा, 30 होगा। तो यही जो 30 वाला जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है। यानी कि टोटल वेट जितना होगा जीव का उसमें से पानी के भार को अगर घटा दिया जाए तो बचा हुआ जो भार, सूखा भार जो होगा, जो ड्राई वेट होगा, उसी को क्या कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है, यानी कि जैव भार कहा जाता है। तो जैव भार की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर कैसी दी गई है, गलत यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डिजीज ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोस्ड थ्रू, मानव शरीर के आंतरिक भागों के रोगों का निदान किया जाता है। चलिए चलिए आंसर करेंगे इसका, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। डिजीज ऑफ इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोस्ड थ्रू, किसके द्वारा डायग्नोसिस किया जाता है, किसके द्वारा निदान यहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बताइए जल्दी से बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 की अगर हम बात करते हैं, बी आंसर बिल्कुल सही होगा, वेरी गुड आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो बेटा, तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एंडोस्कोप। क्या हो जाएगा, एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोपी जो होती है वो एक तरह का नॉन सर्जिकल प्रोसेस होता है, इसके अंदर सर्जरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। और यह आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, आपका जो पाचन नलिका होती है, जो आहार नलिका होती है, उसमें मुंह की तरफ से एक पाइप घुसाया जाता है, मुंह की तरफ से एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है और उसके आगे की तरफ एक लाइट लगी हुई होती है, एक कैमरा अटैच होता है जो यह बताता है कि आपके पेट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है क्या। और वह पाइप के आगे प्रकाश के लिए, लाइट के लिए लगा रहता है, कुछ लाइट लगा रहता है और कैमरा लगा रहता है, और जिसका चित्र, जिसकी इमेज कहां पर दिखाई देगी, डॉक्टर के टीवी मॉनिटर पर दिखाई देती है, और उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पर, आप बताएंगे एंडोस्कोप या एंडोस्कोपी, उस प्रोसेस को यहाँ पर कहा जाता है। इसमें बॉडी को चीर फाड़ नहीं की जाती है, ठीक है, नॉर्मली मुंह के माध्यम से वो ट्यूब को मुंह में, मुंह से अंदर की तरफ घुसाया जाता है। ठीक है अनुराग, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी इंप्लॉयड फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि अगर हम बात करते हैं मानव शरीर की आंतरिक संरचना के विजुअलाइजेशन के लिए कार्यरत गुणात्मक टोमोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। चलो चलिए आंसर कर दो यहाँ पर, ठीक है मनीषा, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आपकी सिस्टर ठीक होगी बेटा। चलो अब जल्दी से बता दो, कोई बात नहीं अखिलेंद्र राय, चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 85 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखते हो तो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से पिक्चराइजेशन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, फिर से इंग्लिश आ गया है, हिंदी इसकी हो नहीं पाई है, अब बच्चे गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, चलो कर लेना, पर मैं समझा देती हूँ इसको। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेरियम इज सुटेबल फॉर इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू पेशेंट बिफोर एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्टमक बिकॉज। देखो अब क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, ठीक है मनीषा, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है अवधेश, चलो क्वेश्चन यह है कि जब भी हमारे स्टमक का, हमारे अमाशय का एक्सरे किया जाता है, ठीक है, तो उससे पहले पेशेंट को बेरियम पिला दिया जाता है, ऐसा क्यों, बेरियम पिला दिया जाता है ऐसा क्यों। चलो यही आपका यहां पर क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन सी है वह यहां पर सही हो जाएगा। इसको मैं समझा देती हूं, क्योंकि बेरियम इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे, क्योंकि जो बेरियम होता है वह एक्सरे के लिए बहुत ही अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है, एंड दिस हेल्प द स्टमक टू अपीयर क्लियरली। यानी कि और दूसरे, अगर दूसरे अंगों के बारे में बात करें तो दूसरे अंगों से ज्यादा यह फिर अमाशय को क्लियरली दिखाने के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में नहीं लिखा, बेटा मैं बोल भी तो रही हूँ, बोल भी तो रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो भी आपका यहाँ पर बेरियम है, बेरियम इसलिए पिला दिया जाता है क्योंकि यह एक्सरे का बहुत ही अच्छा अवशोषक हो जाता है,
तो उसकी वजह से वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। तो जो भी इमेज यहाँ पर बनेगी, जो भी चिकित्सा आपकी की जाएगी, उसका जो इमेज होगा, उसका जो चित्र होगा, वो काफी अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, चलो अब आगे हम यहाँ पर जोड़ी बनाएंगे अकेन। चलो पहले इंग्लिश में बनाएंगे फिर हिंदी में बनाएंगे। चलिए जल्दी सांस से करेंगे। हाँ बिल्कुल, डेली क्लास होती है यहाँ पर बेटा। चलिए जल्दी सांस से करेंगे। EEG ECG EOG EMG। चलो जल्दी सांस से करो फटाफट से। कौन सा आंसर यहाँ पर किसको किसको क्लिक करना है जल्दी से बता दीजिए। नींद परेशान कर रही है। हाँ गुंजन, अब नींद आ रही होगी। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगी, जल्दी परेशान मत होइए। तो जल्दी से आंसर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ईईजी, जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफी यहाँ पर कहा जाता है, और यह आपके ब्रेन की एक्टिविटी को नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर ईसीजी के बारे में हम बात करते हैं, सोनोग्राफी से पहले पानी क्यों पिलाया जाता है, इसी वजह से पिलाया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बढ़ सके, इस वजह से। ठीक है ठीक है अवधेश, चलो आगे बढ़ते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इससे हम हर्ट से संबंधित चीजों को अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, ऑक्यूलोग्राफी जहां पे भी ऑक्यूल मतलब है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, रेटिना, आपका जो आईज है उससे रिलेटेड है, तो ईओजी आपकी आंखों से रिलेटेड है। और ईएमजी यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी आपके मसल्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चले अब हम यहां पर इसको देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वह कौन सा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो ठीक है, तो बच्चा सबको नींद आने लग गई होगी, मेरे को भी थोड़ी थोड़ी सी नींद तो नहीं आ रही है, पर हाँ थकान जरूर हो जाती है। तो चलो आज की क्लास को इतना ही करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यह करेंगे कि इसके आगे का जो सेशन होगा उसको नेक्स्ट टाइम पे हम कर लेंगे, तो परेशान मत होइए। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और इसके साथ साथ मैं और चीज़ यह कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की डेली क्लास होती है, आप लोग डेली क्लास में आइए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे साइंस हेवन चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कल सुबह मिलती हूं मैं आप लोगों को 10:45, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।